जी, मेरा नाम मुजम्मल हुसैन अंसारी है। मैं पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ। पेंसिल में और ऑयल पेंट में पोर्ट्रेट स्केचेस बनाता हूँ। मेरा ताल्लुक ज़िला जंग से है। मुझे बचपन से ही शौक़ था, ऐसा समझ लें कि मैं गाड गिफ्टेड हूँ। ज़्यादातर मुझे मेरी ड्राइंग कुदरती तौर पर अच्छी थी स्कूल लाइफ से ही, तो मैंने फिर प्रैक्टिस की। और ये जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे जो पाकिस्तान की तारीख में गुजरे हैं, उनके काम से मैं मुतासर होकर मैं शुरू किया। मैंने हसन की गज़लें, गीत गाने का और ड्राइंग का, ये दो चीज़ों का मुझे शुरू से ही शौक था। तकरीबन 20 साल से मैं प्रोफेशनल में पोर्ट्रेट बनाता हूँ, स्केचेस वगैरह पेंसिल में और ऑयल पेंट में, ये दो मीडियम ही मैं काम करता हूँ। पेंसिल का एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा है, पेंसिल का काम मुझे मेरा बहुत पसंद करते हैं। मेरे काम को मद्देनज़र रखते हुए लोग वर्षा के इंतज़ामिया ने मुझे जगह दी है काम करने के लिए, जहाँ मैं काम करता हूँ। विजिटर आते हैं, मेरे फ़न को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं। मैं नेशनल अवार्ड भी मुझे मिला है, कायद अजम अवार्ड सन 2001 में PNCA से। तो जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिन्होंने दाखिला लेना होता है वो मेरे पास आते हैं, महीना, दो महीने, तीन महीने इधर मेरे पास। ऐसे जानना चाहूँगा कि जिनको शौक़ है ड्राइंग का, किसी भी फील्ड में आर्ट का, तो मेहनत करें, वो अपना टाइम ज़ाया ना करें। तो ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये करने से आता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे रोज़ाना टाइम निकाल कर, घंटा, दो घंटा, जितना भी है, तो आजकल यंग जनरेशन ज़्यादातर वो इंटरनेट पर अपना टाइम ज़ाया करती है। तो नेट पर काम देखें, आर्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट कैसे वो बनाते हैं, जो जिस फील्ड में भी जाना चाहें आर्ट में, तो मेहनत क्या है, मेहनत के बगैर वो कामयाब। आर्ट ऐसा होना चाहिए जो हर आदमी, हर तबके का लोग जो है ना वो समझे इसको। टैलेंट है जिस स्टूडेंट के पास, उनके लिए को रिहाइश दे, जगह दे उनको काम करने के लिए, एग्जीबिशन कराए, उनको माली तौर पर स्टैंड दे। तो इस तरह अगर आर्टिस्ट की जेब में रोटी नहीं होगी पेट में, तो वो कैसे वो आर्ट तख्लीक करेगा जब तक उसके सुकून नहीं होगा।